खबर जनपद नैनीताल के हल्द्वानी से है, जहां पीसीएस परीक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर विधायक सुमित हृदयेश द्वारा आपत्ति जताई गई है। बता दें कि पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने विधायक सुमित हृदयेश से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि पीसीएस की परीक्षा के पाठ्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी सिलेबस में भिन्नता देखने को मिलती है। इसी के चलते हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले पीसीएस के अभ्यर्थियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। ऐसे में विधायक सुमित हृदयेश का भी कहना है कि यह लोक सेवा आयोग की नियमावली के भी खिलाफ है, जिससे कि अंग्रेजी के छात्रों को फायदा मिलेगा और हिंदी के छात्रों को नुकसान होगा। लिहाजा उन्होंने सीएम धामी से अपील की है कि इसका स्वतः संज्ञान लेकर इसकी जांच कराई जानी बेहद आवश्यक है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बड़ी विसंगति है पब्लिक सर्विस कमीशन की, जो 2013 की नियमावली है वो साफ बोलती है कि अगर अंग्रेजी और हिंदी में सिलेबस बनाया जा रहा है तो एक समान होना चाहिए, उसमें कोई विसंगति नहीं हो सकती। लेकिन इसमें जो अंग्रेजी सिलेबस इन्होंने दिया है और पेपर भी निकट है, अभ्यर्थियों को भी देर में पता लगा है, अंग्रेजी का जो सिलेबस दिया है उसमें 40% के ऐसे मार्क्स हैं जो हिंदी के पेपर में नहीं है, हिंदी के सिलेबस में नहीं है, जिससे कि जो हिंदी भाषी राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड जो इंग्लिश मीडियम से ये एग्जाम देंगे उनको इसमें फायदा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि स्वयं उसका ये संज्ञान लें और अवश्य ये जो विसंगति है उसे दूर करने का तुरंत आदेश।